कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा विधायक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भिंड में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता को पुलिस द्वारा सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो चुनाव में कांग्रेस का पोलिंग एजेंट बना था। डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड की लहार विधानसभा से बीजेपी विधायक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन मामलों में कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार कर प्रताड़ित करती है, फिर जेल भेज रही है, जमानत पर आने के बाद फिर झूठे केस करती है। गोविंद सिंह ने कहा कि यह अत्याचार प्रजातंत्र को समाप्त करने की कोशिश है। इसको लेकर कांग्रेस जल्द ही जन आंदोलन करेगी। पुलिस, जिला प्रशासन, कलेक्टर और SP भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नौकर बन गए हैं। वो जनता के कमाई के जो टैक्स है उसकी पगार पा रहे हैं, लेकिन गुलामी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कर रहे हैं ताकि अपनी कुर्सी बनी रहे। कुर्सी चपक अधिकारी हैं, उनके इशारे पर पूरी तरह से जिले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और विभिन्न विचारधारा के लोगों पर जुल्म उठा रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा कर थानों में बंद करके लाठियां चला रहे हैं, उनकी हड्डियां तोड़ रहे हैं। ये कई उदाहरण हैं। और लौट फिर के जो पुलिस अधिकारी जिनका पहले इतिहास कलंकित रहा है, जिन्होंने पहले अत्याचार दमन किए हैं दतिया जिले में, वही अधिकारियों को भिंड जिले में भेजकर जुल्म कार्यकर्ताओं को फंसा रहे हैं। विधायक की गुणगान करने के लिए उनको पीटने का काम, पेड़ पर उल्टा टांगने का काम, कपड़े उतार कर लाठियां देने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।